हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज बेटा हम एनिमल किंगडम में बात करेंगे हमारे फर्स्ट फाइलम की, फाइलम पोरिफेरा के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी थी एनिमल किंगडम के, और साथ ही साथ हमने बात करी थी उन विशेषताओं के बारे में बात जाना था, हमने बात करी थी डिस्कस किया था जिनके बेस के ऊपर क्या हम एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्या है डिफरेंट फाइलम्स के अंदर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर आपने देखा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे उस लेक्चर को जाकर दोबारा आप देख सकते हो। तो आज बेटा हम बात करेंगे फाइलम पोरिफेरा के बारे में, आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आप देख पा रहे हो डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट फिगर्स आपको नजर आ रही हैं, डिफरेंट फोटोज आपको नजर आ रही हैं। ये सारे के सारे जो खूबसूरत फोटोज आप देख पा रहे हो, ये सारे सारे किसकी हैं, स्पंजेस की हैं, पोरिफेरा की है। ठीक है, फाइलम पोरिफेरा के डिफरेंट है एनिमल्स की। तो सबसे पहले जो फिगर आपको यहाँ पर नजर आ रही है ये वाली, ये हमारी किसकी है, साइकोन की है। सेकेंड वाली भी हमारी किसकी बेटा, साइकोन की ही है, ये जो बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है। थर्ड जो फिगर है ये वाली, ये है यूप्लेक्टेला। ठीक है, जिसे हम वेनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फोर जो फिगर आपकी कौन सी बेटा, ये है स्पोंजिया की। और लास्ट वाली फिगर हमारी किसकी बेटा, ये स्पोंजिला की है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोंजेस आपको देखने को मिल रही हैं, आप देख पा रहे हो उनका स्ट्रक्चर भी क्या है, अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर भी क्या होता है, अलग अलग है सबका। ठीक है, मगर जो बेसिक जो प्लान है बॉडी का, सबका क्या होता है, सेम होता है। कैसा होता है, सबका सेम है। ठीक है, काफी डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, कोई येलो कलर का है, कोई व्हाइट कलर का है, कोई आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, रेड कलर की भी होती हैं, डिफरेंट कलरेशन भी आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो ये है फाइलम पोरिफेरा का तो कुछ एग्जांपल्स हमारे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके सेकंड बीच जो आपकी फिगर है साइकोन की, इसके द्वारा हम बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको दोबारा से समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो बॉडी होती है किसकी बेटा, पोरिफेरेंस की, स्पंजिस की, कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होती है। आमतौर पर कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होती है, मगर वहां पर आपको क्या है, रेडियल सिमेट्री भी आपको देखने को मिलती है। कैसी बेटा, रेडियल सिमेट्री भी आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ स्पोंजिया, ये जो स्पोंजिया है इसके अंदर क्या है, रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। वरना जो आमतौर पर क्या होती है, कैसी होती है आपकी, एसिमेट्रिकल। स्पंजिस हमारी क्या होती है, एसिमेट्रिकल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे बेटा ये जो साइकोन का डायग्राम है, तो यहाँ पर आपको एक बाहर की तरफ एक लेयर आपको नजर आ रही है सेल्स की, और एक अंदर की तरफ आपको लेयर आपको नजर आ रही है ये वाली। ठीक है, ये वाली, और बीच में जगह जो बस्ती है एक लेयर हमारी ये है। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे अभी हम। तो बाहर वाली जो लेयर होती है इसे कहते हैं पाइनाकोडर्म। क्या कहते हैं, पाइनाकोडर्म कहते हैं, जो कि लाइंड बाई द पाइनाकोसाइट, पाइनाकोसाइट के द्वारा लाइन बाहर की जो तो लेयर होती है इसके अंदर हमें क्या, पाइनाकोसाइट सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो लेयर होती है बाहर वाली इसे कहते हैं पाइनाकोडर्म कहते हैं। अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर काफी सारे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं ये वाले। ठीक है, ये जो सेल आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये अंदर की तरफ जो लाइनिंग होती है, लेयर होती है, इस लेयर के अंदर आपको जो सेल्स नजर आते हैं उन्हें कहते हैं कोएनोसाइट या फिर कोलार सेल। क्या कहते हैं, को एनोसाइट या फिर कोलार सेल। ठीक है, तो बात होगी हमारी दो लेयर की। बीच में जो लेयर होती है इसे कहते हैं मिजोहाइल। क्या कहते हैं, मिजोहाइल कहते हैं। और इस लेयर के अंदर क्या है, काफी सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे चलकर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ पर। और पूरी बॉडी के ऊपर जैसा कि आपको यहां पर नजर आ रहा है, यहां पर ये पोर्स, ये ऑस्कुलम, एक्चुअली है क्या ऑस्कुलम है बेटा यहां पर, ये जिसके द्वारा ये बाहर की तरफ पानी आता, बाहर की तरफ क्या आता, पानी निकलता है। तो यहां पर ये ऊपर वाला जो ये स्ट्रक्चर है यहां पर दिख रहा है आपको, ये क्या है, ऑस्कुलम। इसे क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। ओपनिंग होती है बाहर की तरफ, ऑस्कुलम कहते हैं। और पूरी बॉडी के ऊपर बात करें यहां पर, देखोगे आप यहां पर देखोगे छोटे छोटे आपको छेद आपको नजर आएंगे, पोर्स आपको नजर आएंगे, जिन्हें कहते हैं ओस्टियम। क्या कहते हैं, ओस्टियम कहते हैं, या फिर डर्मल पोर्स कहते हैं, या फिर इन करंट पोर भी उसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। इन करंट पोर अंदर की तरफ ओपन होती है, ये जो हिस्सा आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये कैनाल होती है अंदर की तरफ। इन करंट पोर अंदर की तरफ ओपन होती है कैनाल के अंदर, जिसे कहते हैं इन करंट कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, इन करंट कैनाल कहते हैं। ठीक है, अब इन करंट कैनाल अंदर की तरफ, देखो दोबारा से आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, ये जो ओपनिंग आपको नजर आ रही है यहाँ पर ये वाली,
इसे कहते हैं एक्स करंट पोर। क्या कहते हैं? एक्स करंट पोर। एक्स करंट पोर के द्वारा अंदर की तरफ जो बॉडी की कैविटी है, ये वाली कैविटी जो खाली जगह अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है, बॉडी की जो कैविटी है अंदर वाली, इसे कहते हैं हम स्पोंजोसील। क्या कहते हैं? स्पोंजोसील कहते हैं, या फिर पैरागैस्ट्रल कैविटी। क्या कहते हैं? पैरागैस्ट्रल कैविटी कहते हैं। तो इस एक्स करंट पोर के द्वारा जो कैनाल होती है, इन करंट जो कैनाल होती है ओपन होती है किसके अंदर? स्पोंजोसील के अंदर, पैरागैस्ट्रल कैविटी के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया यहां से? यहां तक क्लियर हो चुका आपको, हो गया होगा आपको? ठीक है, यहां से क्या होता है? ओपनिंग होती है, और ये जो बॉडी कैविटी है स्पोंजोसील है, ये बॉडी के बाहर ओपन होती है विद द हेल्प ऑफ ए लार्ज ओपनिंग, जिसे कहते हैं ऑस्कुलम। क्या कहते हैं? ऑस्कुलम, या फिर एक्स करंट पोर कहते हैं। बात समझ में आएगी बेटा? ठीक है, तो बाहर की जो लेयर होती है और जो अंदर की जो लेयर होती है, इन दोनों लेयर के बीच में एक मेसोहाइल, जो बताया था मैंने आपको मेसोहाइल, इस मेसोहाइल के अंदर आपको क्या है, आपको इसका स्केलेटन हमें देखने को मिलता है। इसे कहते हैं स्पिक्यूल, जो कि स्पिक्यूल्स के द्वारा बना होता है। किसके द्वारा? स्पिक्यूल्स के द्वारा बना होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हो गया हमारा डायग्राम के बाद समझ में आ गया होगा कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, और हम बात करते हैं इसके स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स से इसको अलग करते हैं, वो क्या है बेटा? कि इसके अंदर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है। एक तो पहला हमारा डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पर, आपको स्पिक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि डिस्कस किया था, स्पिक्यूल्स जो कि बने होते हैं किसके द्वारा? कैल्शियम कार्बोनेट के या फिर सिलिकॉन के द्वारा, सिलिसियस या फिर कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर। दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द फाइलम पॉलीफेरा। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। हालांकि जो बातें हमने की है वही बातें हम अभी आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली बात करें तो दे आर नोन एज स्पंदिस कहते हैं। स्पंदिस कहते हैं बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, काफी से स्पंदिस कहते हैं। ठीक है, दे आर जनरली मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? मैराइन होते हैं। मैराइन का मतलब है ये आपको समुद्र के अंदर में देखने को मिलता है, समुद्र गहराई के अंदर देखने को मिलता है। और ये सेसाइल होते हैं। क्या होते हैं? सेसाइल होते हैं। ये इनके अंदर क्या है, मोटाइल फेज हमें देखने को नहीं मिलती है। सेसाइल का मतलब है कि जो वाटर की बॉडी होती है उसके बॉटम से ये जुड़े होते हैं, वहाँ वो क्या है, चल फिर नहीं पाते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ठीक है, मैराइन होते हैं और सेसाइल होते हैं। ठीक है बेटा, एसिमेट्रिकल होते। कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं, जनरली एसिमेट्रिकल होते हैं। मगर मैंने बताया आपको यहाँ पर रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है, और रेडियल सिमेट्री हमें कहाँ देखने को मिलती है, जो स्पोंजिया होता है, स्पोंजिया के अंदर हमें क्या है, रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। ठीक है, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर जो लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, नर्वस सिस्टम एबसेंट होता है, नर्वस सेल होते हैं इसके अंदर, नर्वस सिस्टम क्या होता है, एबसेंट होता है। बॉडी के अंदर एक इंटरनल कैविटी होती है जिसे कहते हैं स्पोंजोसील कहते हैं, जैसे डायग्राम में डिस्कस किया था। बॉडी के अंदर क्या होता है, कैविटी होती है, इसे कहते हैं स्पोंजोसील कहते हैं। और इनके अंदर हमें क्या है, कैनाल सिस्टम में देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, इनके अंदर कैनाल सिस्टम होता है। इन कैनाल के द्वारा ही क्या है, बॉडी के अंदर वाटर क्या करता है, अंदर एंटर करता है। एग्जाम्पल हो गए एस्क्रोनॉइड, तीन प्रकार का क्या कैनाल सिस्टम होता है यहाँ पर, कौन कौन सा? एस्क्रोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, और साइक्रोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो एस्क्रोनॉइड क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम होता है, जो कि हमें ल्यूकोसोलेनिया के अंदर में देखने को मिलता है। ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू एस्क्रोनॉइड, ये हमें देखने को मिलता है स्पोंजिला के अंदर। लास्ट हमारा कौन सा है, साइक्रोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जो कि हमें स्काइफा के अंदर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे सिंपल कौन सा है, एस्क्रोनॉइड है, उसके बाद बारी आती है साइक्रोनॉइड की, और सबसे लास्ट बारी आती है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा कौन सा होता है, ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? कैनाल सिस्टम का मतलब क्या हुआ भाई, ये पोरिफेरा की बॉडी है बाहर वाली। ठीक है बेटा, ये आपका बॉटम से जुड़ी हुई है, ये यहाँ पर क्या आपको कैनाल सबको नजर आती है इस प्रकार से, जिसके द्वारा वाटर एंटर करता है बॉडी के अंदर, जिसके द्वारा वाटर क्या करता है बॉडी के अंदर बेटा, क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, यहां पर क्या देखने को मिलती है, कैनाल हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसे ही कहते हैं कैनाल सिस्टम, कहते हैं कैनाल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये है हमारा कौन सा, बॉडी के ऊपर जो कैनाल होती है हमारी, इनकरंट कैनाल। ठीक है, ड्रमल पोर के द्वारा बाहर की ड्रमल पोर होती है, अंदर हमारे क्या होती है, एक्स करंट पोर होती है, और बीच में कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैनाल कहते हैं। ठीक है, कैनाल सिस्टम कहते हैं।
और ये हो गया स्पॉन्डिलोसील हो गया, और ये हमारा हो गया ओस्कुलम, क्या हो गया ओस्कुलम। ठीक है, बस समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक ये। तो ये जो कैनाल सिस्टम है तीन प्रकार का जैसे बताया मैंने आपको, एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड एंड क्या होता है ल्यूकोनॉइड। क्लियर है बेटा यहाँ तक ये। ल्यूकोनॉइड और साइकोनॉइड के अंदर क्या देखने मिलता है, रेडियल कैनाल से हमें देखने को मिलती है, क्या होती है रेडियल कैनाल से हमें देखने को मिलती है, जो कि अंदर की तरफ ओपन होती है इनटू द स्पॉन्जोसील विद द हेल्प ऑफ एपोपाइल, एक ओपनिंग और होती है इसे कहते हैं एपोपाइल कहते हैं। और जो इन करंट कैनाल होती है, ठीक है, यानी कि जो ये बाहर से क्या है आपका ड्रमल पोर के द्वारा अंदर इन करंट कैनाल है, और इन करंट जो कैनाल है, इन करंट जो कैनाल है ये रेडियल कैनाल में ओपन होती है विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग जिसे कहते हैं प्रोसोपाइल, क्या कहते हैं प्रोसोपाइल कहते हैं, प्रोसोपाइल के द्वारा ये इन करंट कैनाल्स क्या कहती हैं रेडियल कैनाल्स के अंदर ओपन होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये क्या है कैनाल सिस्टम देखने मिलता है, तीन प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और बॉडी के अंदर जो अंदर वाले जो लाइनिंग के द्वारा बेटा फिगर पे द्वारा आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या थे अंदर की तरफ लेयर होती से कहते हैं जो बनी होती किसके द्वारा क्यूएनोसाइट के द्वारा जिन्हें कोलार सेल कहते हैं, बाहर की तरफ वाले कौन से पाइनाकोसाइट कहते हैं जिसे हम पाइनाकोड्रम कहा था, पाइनाकोड्रम के अंदर कौन से सेल्स होते हैं पाइनाकोसाइट्स होते हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे अभी हम। जो क्वेनोसाइट्स होती हैं, क्वेनोसाइट्स क्या स्पॉन्जोसिल की जो कैविटी होती है बॉडी कैविटी के अंदर की तरफ वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है स्पंजिस के अंदर, और बॉडी के बाहर की तरफ का काफ़ी छोटे छोटे पोर्स आपको नज़र आते हैं जिसके नाम जिसके चलते इनका नाम क्या पड़ा पोरीफेरा पड़ा, और इन पोर्स को क्या कहते हैं ओस्टिया कहते हैं, क्या कहते हैं ओस्टिया कहते हैं, जो कि बॉडी वाल को क्या करती है जो जोड़ती है इंटर सेंट्रल कैविटी। ठीक है, बॉडी के बाहर से जो वाटर एंटर होता है थ्रू द पोर्स होता है जिन्हें ओस्टिया कहते हैं, और ओस्टिया के द्वारा ही क्या है बॉडी वाल से होते हुए पान क्या है बॉडी की जो सेंट्रल कैविटी है स्पॉन्जोसील है उसके अंदर एंटर करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बाहर क्या आपका डर्मल पोर्स, फिर हमारे क्या है यहां पर इन करंट कैनाल, इन करंट कैनाल के बाद आपका क्या है एक्स करंट कैनाल के बाद आपकी जो बॉडी जो कैविटी वहां पर ओपन होती है। ये पाथवे है वाटर के एंटर करने का इनसाइड द स्पॉन्जोसिल। ठीक है, पोरीफेरा स्पॉन्जिस के अंदर वाटर कैसे एंटर करता है डर्मल पोर से, फिर कहां जा रहा है इन करंट कैनाल द्वारा ओपन होता है कहां पर ये बॉडी कैविटी के अंदर जहां पर क्या कहते हैं इसको कहते हैं स्पॉन्जोसिल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, जो क्वेनोसाइट्स होते हैं कोलार सेल्स दे लाइन द स्पॉन्जोसिल एंड द कैनाल्स। ठीक है, जो कैनाल से हमारी बॉडी के अंदर थी जो इनकरंट कैनाल थी या बॉडी की जो कैविटी है स्पॉन्जोसील है ये बाहर की तरफ दे आर लाइंड बाय द क्वेनोसाइट और कोलार सेल जो कि हमने जैसे बताया था फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। डाइजेशन कैसे होती है इंट्रा सेलुलर होती है, यानी कि जैसे कि प्रोटोजोआ के अंदर होती है किसके अंदर फूड वैक्यूल के अंदर, किसके अंदर फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होती है जिसके अंदर क्या है प्रोटोजोआ के अंदर हमें देखने को मिलता है फूड वैक्यूल के अंदर, आपने अमीबा याद होगा अमीबा के अंदर क्या है फूड वैक्यूल के अंदर जाके डाइजेस्ट होता है, वैसे ही स्पंजिस के अंदर क्या है फूड वैक्यूल के अंदर क्या फूड डाइजेस्ट होता है सेल्स के अंदर फूड वैक्यूल बनता है और फूड वैक्यूल के अंदर क्या फूड का डाइजेशन होता है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको डाइजेशन कैसे होती है इंट्रा सेलुलर होती है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केल्टन। ठीक है, स्केल्टन बना होता है बॉडी के मिडल जो लेयर होती है मिडल लेयर के अंदर आपको स्केल्टन देखने को मिलता है जो सपोर्ट वो स्केल्टन क्या करता है बॉडी को सपोर्ट करता है, और ये स्केल्टन बना होता है किसके द्वारा स्पिक्यूल्स के द्वारा जिसे हम स्पॉन्जिन फाइबर्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं स्पॉन्जिन फाइबर भी कहते हैं, और ये स्पिक्यूल्स बने होते किसके द्वारा सिलिका या फिर कैल्शियम के द्वारा। ठीक है, सिलिका या फिर कैल्शियम के द्वारा बने होते हैं स्पिक्यूल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स होते हैं बेटा। ठीक है, मोनो एक्सॉन स्पिक्यूल्स होते हैं, डाई एक्सॉन स्पिक्यूल्स होते हैं, ट्राई एक्सॉन स्पिक्यूल्स होते हैं, टेट्रा एक्सॉन स्पिक्यूल होते हैं, या पॉली एक्सॉन स्पिक्यूल्स बेस्ड ऑन सिमेट्री ऑफ द स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स की सिमेट्री के बेस के ऊपर क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स आर देयर। ठीक है, और बात करें स्पंजिस की जो होते हैं स्पंजिस कैसे होते हैं हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल जो
गैमेट्स होते हैं और एक ही एनिमल के अंदर बनते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। इन्हें कहने का मतलब है कि स्पंजिस के अंदर मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एक ही एनिमल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के जो एनिमल होते हैं उसे कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। एग्स एंड स्पर्म्स क्या होते हैं, एक ही एनिमल के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये स्पर्म्स होते हैं ये रिलीज कर दिए जाते हैं वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर एंटर करने के बाद ये दूसरे स्पंज जो उनके पास पहुंच जाते हैं, उनके पहुंचने के बाद एग्स के अंदर एंटर कर वहां पर उसमें फर्टिलाइज करने का काम करते हैं, जिसके चलते यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन हमारी कैसे होती है, रिजनरेशन के द्वारा। स्पंजिस के अंदर हाई डिग्री ऑफ रिजनरेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, अगर कोई बॉडी का पार्ट लॉस्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो वो पार्ट दोबारा से क्या है, डेवलप कर जाता है, तो इसे कहते हैं रिजनरेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, जेन्यूल्स के द्वारा, और थ्रू सेक्सुअल प्रोडक्शन के द्वारा भी यहाँ पर क्या रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है विद द हेल्प ऑफ गैमेट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है विद द हेल्प ऑफ गैमेट्स। जैसे कि आपको बताया था मैंने, गैमेट्स का निर्माण होता है, एग्स का और स्पर्म्स का निर्माण होता है, जो कि वाटर के रिलीज कर दिए जाते हैं। और स्पर्म्स क्या करते हैं, ये रास्ता ढूंढ कर ये पहुंच जाते हैं दूसरे स्पंजिस के पास, और वहां पर जो एग्स प्रेजेंट होते हैं वो एग्स के अंदर क्या कर जाते हैं, उनको एंटर करके वहां पर फर्टिलाइज कर देते हैं आपको। इसीलिए मैंने क्या कहा था, वहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जेम्यूल्स की बात करें, जेम्यूल्स का, जेम्यूल्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ बर्ड्स। जेम्यूल्स क्या है, जेम्यूल्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ बर्ड्स होती हैं, जो कि सेल्स के अंदर ही बनती है, सेल्स के अंदर ही बनती है। ये एक मान लो क्या आपका सेल्स है बाहर की तरफ, बॉडी वाला इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पिक्यूल प्रेजेंट है, तो अंदर वाला जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, ये डिवाइड करके डिफरेंट बर्ड्स के अंदर डिवाइड कर जाता है, जिन्हें हम कहते हैं जेम्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जेम्यूल्स कहते हैं। अब ये जेम्यूल्स क्या करते हैं, बॉडी के बाहर आकर, बॉडी के बाहर रिलीज होकर क्या करते हैं, एक न्यू स्पंज के अंदर जर्मिनेट करके न्यू स्पंज के अंदर क्या करते हैं, तो बेटा ग्रो कर जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम, जेम्यूल्स। बात समझ में आ रही है, इंटरनल बर्ड्स होती हैं स्पंजिस के अंदर हम देखने को मिलती हैं, इन्हें कहते हैं जेम्यूल्स। क्या कहते हैं, जेम्यूल्स कहते हैं। क्लियर है बेटा, ये तो हमारे प्रोडक्शन के बारे में। और जो डेवलपमेंट होती है इनके अंदर क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, जो यंग वन होता है वो डायरेक्टली एडल्ट के अंदर डेवलप नहीं करता है, बल्कि एक बीच में इंटरमीडिएट क्या आती है, स्टेज आती है, एक लार्वल स्टेज आती है। ठीक है, जो लार्वल स्टेज है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज कहते हैं, और लार्वल स्टेज के द्वारा ही वो क्या करते हैं, जो लार्वा होता है वो लार्वा फिर फर्दर मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एक एडल्ट के अंदर क्या डेवलप कर जाता है। इस प्रकार की जो डेवलपमेंट होती है इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, और जो फ्री स्विमिंग जो लार्वा होता है स्पंजिस के अंदर पहुंचता होता है, हमारा एम्फीब्लास्टुला लार्वा या फिर पैरेन्काइमुला लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीब्लास्टुला लार्वा या फिर पैरेन्काइमुला लार्वा कहते हैं। ठीक है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो लार्वा हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, स्पंजिस के अंदर कौन सा होता है, एम्फीब्लास्टुला या फिर पैरेन्काइमुला लार्वा। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, दो जर्म लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं इनके अंदर। ठीक है, बॉडी क्या है, बॉडी जो होती है कवर्ड होती है बाय, जो बॉडी होती है स्पंजिस की वो दो लेयर से कवर्ड होती है। बाहर की तरफ कौन सी होती है, पाइनेकोडर्म होती है, अंदर तरफ क्या होती है, क्वेनोडर्म होती है। पाइनेकोडर्म में पाइनोकोसाइट देखने को मिलते हैं, क्वेनोडर्म में फ्लैजिलेटेड है क्वेनोसाइट या फिर कोलार सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है बेटा, और इन दो लेयरों के बीच में एक लेयर होती है जो कि एक जिलेटिनस नॉन सेलुलर लेयर होती है, जिसे मेसेनकाइम कहते हैं, इसको हम मेसोग्लिया भी कहते हैं या फिर मेसोहाइल भी कहते हैं। ठीक है, मेसेनकाइम के अंदर क्या आपको फ्री एमोइबोसाइट सेल आपको देखने मिलते हैं, एमोइबोसाइट्स आपको देखने मिलते हैं, और स्केलेटल एलिमेंट यानी कि स्पिक्यूल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो मिडल लेयर है मेसोहाइल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिलिसियस या फिर कैलकेरियस होते हैं। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, फ्री एमोइबोसाइट सेल्स वो सेल्स होते हैं जो फ्रीली वांडर करते हैं, वांडरिंग करते हैं इनसाइड द मेसोहाइल। मेसोहाइल के अंदर के मूवमेंट शो करते हैं, मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सेल्स होते हैं बेटा, ये बिटवीन द सेल्स, डिफरेंट सेल्स के बीच में क्या करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। फूड और दूसरा जो मटेरियल होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं एमीबोसाइट्स। ठीक है, और जो मेसेनकाइम होता है, जो मेसोहाइल होता है, इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। और कौन कौन से सेल्स होते हैं बेटा, आर्कियोसाइट्स,
ठीक है जी, आर्कियोसाइट्स का तो यार टोटिपोटेंट सेल्स, क्या होता है टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, ये सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं वो किसी भी सेल्स में क्या है डिफरेंशिएट करके डेवलप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बेटा। यानी कि टोटिपोटेंट का मतलब हुआ कि जो आर्कियोसाइट्स होते हैं क्या करते हैं किसी भी सेल्स में चेंज हो सकते हैं, किसी भी सेल का रूप ले सकते हैं, इसीलिए क्या है टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट सेल्स को जो होते हैं क्रोमोसाइट्स होते हैं, क्रोमोसाइट्स का मतलब दे आर द कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट्स सेल्स प्रेजेंट इन साइड द स्पंजिस। तो क्रोमोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो स्पंजिस को कलर प्रोवाइड करते हैं, येलो कलर है, रेड कलर है, व्हाइट कलर है, ठीक है, जो डिफरेंट कलर्स होते हैं स्पंजिस के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसाइट्स के कारण होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, थीसोसाइट्स, दे आर द स्टोरेज सेल्स। थीसोसाइट्स होते हैं क्या होते हैं, स्टोरेज सेल्स होते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। किसके फॉर्म में होता, ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, ग्लाइको प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट है, इनकी फॉर्म में क्या करते हैं फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। मायोसाइट्स कह सकते हैं हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं और क्या होते हैं स्पिंडल शेप होते हैं। ट्रोफोसाइट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट को सप्लाई करने का काम करते हैं। इसके अलावा ग्लैंड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सिक्रीटरी नेचर होते हैं, जो स्लाइमी सब्सटेंस को सिक्रीट करने का काम करते हैं अराउंड द स्पंजिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, स्पंजिस आर द फिल्टर फीडर। स्पंजिस क्या होता है, इनको फिल्टर फीडर कहते हैं, फिल्टर फीडर, या फिर मैं एक नाम और दूंगा यहाँ पर सस्पेंशन फीडर। क्या कहूंगा, सस्पेंशन फीडर कहूंगा इनको मैं। ठीक है, क्या करते बेसिकली बेटा, क्या करते हैं जो वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, फंगस वगैरह है, ये वायरस वगैरह कुछ भी ऐसा है जो एक फिल्टरेबल जो मटेरियल प्रेजेंट है, सस्पेंडेड जो मटेरियल है उसको छान का काम करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं, इनको बाहर निकाल लेते हैं, सिर्फ फूड को ही क्या करते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम फिल्टर फीडर कहते हैं या फिर सस्पेंशन फीडर कहते हैं। दे आर एमोनोटेलिक, कैसे होते हैं एमोनोटेलिक होते हैं। एमोनोटेलिक मतलब कि इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है अमोनिया, क्या होता है अमोनिया होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, क्या होगा अमोनिया होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं एमोनोटेलिक होते हैं। क्या होते हैं एमोनोटेलिक होते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होती है इंटरनल होती है और डेवलपमेंट क्या होते हैं इनडायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ ए फ्री स्विमिंग लार्वा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा और पैरेन्काइमुला लार्वा। एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमारे साइकोन है जिसके स्काइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला है, इसको फ्रेश वाटर हमारा स्पंज होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, एक ऐसी स्पंज है जो कि फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है स्पॉन्जिला। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्पॉन्जिया है जिसे हम बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं। एक हमारे पास हो गया यू प्लेक्टेला, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा यू प्लेक्टेला, जिसे हम क्या है वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं, वीनस फ्लावर फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं। क्लियर है, तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जो फाइलम पोरीफेरा, इसको बेटा तीन डिफरेंट क्लासेस में हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन के बेस के ऊपर इसको तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहले हमारे कौन थी, कैल्केरिया और कैल्सिस्पोंजिया। इसके अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसके द्वारा, जो स्पिक्यूल्स होते हैं कैसे होते हैं, कैल्केरियस स्पिक्यूल्स होते हैं, और कैनाल सिस्टम कैसा होता है, एस्कोनॉइड या फिर साइकोनॉइड। ठीक है, एस्कोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम हमें देखने को मिलता है या फिर साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है। दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द कैल्केरिया और कैल्सिस स्पॉन्जिया। एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर क्या है, ल्यूकोसोलेनिया और साइकोन। यहाँ पर आपको एक फिगर दी थी राइट साइड में, हमारे कौन सी साइकोन की फिगर है बेटा ये। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास हमारी कौन सी, हेक्सासिटेनिलिडिया, सिटेनिलिडिया और हियेलो स्पॉन्जिया। हेक्सासिटेनिलिडिया और हियेलो स्पॉन्जिया, इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन स्पिक्यूल किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के या सिलिशियस। जो स्पिक्यूल्स कैसे होते हैं, सिलिशियस होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। कैनाल सिस्टम रेंज्ड होता है या फिर अनब्रांच देखने को मिलता है। ठीक है, इन्हें हम ग्लास स्पंजिस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ग्लास स्पंज क्यों कहते हैं समझ जाओगे आप, कि ये यूप्लेक्टेला का फिगर है, पिक्चर है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ग्लास की तरह नजर आ रही है। इसीलिए इस क्लास को हेलो स्पंजिया को हम क्या कहते हैं, ग्लास स्पंजिस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यूप्लेक्टेला जो जो एग्जाम्पल हमारे इसका है, यूप्लेक्टेला को हम एज ए मैरिज गिफ्ट देते हैं जापान के अंदर, मैरिज के अंदर, क्योंकि ये एकता का प्रतीक होता है। यानी कि मरने तक वो क्या है एक दूजे के साथ रहें, मरने तक क्या है एक दूजे के साथ उनका बना रहे, वो अलग ना हो। ठीक
ठीक है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो यूप्लेक्टेला है, यूप्लेक्टेला बेटा ये श्रिम्प के साथ एक कमेंसलिज्म शो करती है। क्या शो करती है यूप्लेक्टेला? कमेंसलिज्म शो करती है श्रिम्प के साथ ऑफ द जीनस स्पॉन्जिकोला। ठीक है, श्रिम्प के साथ क्या करती है? कमेंसलिज्म शो करती है, दोनों एक दूसरे को रह नहीं सकते, अगर अलग कर दिया जाएगा दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पैदा होने से लेकर मरने तक क्या दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या है, मैरिज में गिफ्ट दिया जाता है, लाइफ अप टू डेथ। एग्जाम्पल हमारे क्या हो गया यहाँ पर, यूप्लेक्टेला एंड येलोनिमा, यूप्लेक्टेला एंड येलोनिमा आता है एग्जाम्पल ऑफ तो येलो स्पॉन्जे। लास्ट क्लास हमारी कौन सी, डेमो स्पॉन्जे। कौन से? डेमो स्पॉन्जे। इसके अंदर क्या है, स्केलेटन आपको देखने को मिलेगा, या प्रेजेंट हो भी सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। अगर प्रेजेंट होगा तो ये कम्बिनेशन में होगा बेटा, ये ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ कैलकेरियस एंड सिलिसियस स्पिक्यूल्स, दोनों का मिला जुला रूप आपको देखने को मिलेगा। किसका? स्पिक्यूल्स का। किसके अंदर? डेमो स्पॉन्जे के अंदर। यहाँ पर जो कैनाल सिस्टम क्या होता है, ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है। एग्जाम्पल हो गया हमारे यूस्पॉन्जिया, जिसे हम बास्पंज कहते हैं। क्लियोना बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्लियोना के बारे में आपको बताऊंगा अभी, क्या हो क्यों इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है स्पॉन्जिला, जो कि क्या हमारे क्या फ्रेश वाटर स्पंज होती है स्पॉन्जिला। तो ये राइट साइड आपको फिगर आपको नजर आ रही है, पिक्चर नजर आ रही है किसकी बेटा, ये है आपकी यूस्पॉन्जिया की, जिसे हम बास्पंज कहते हैं। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड फिगर आपको नजर आ रही है किसकी बेटा, ये क्लियोना का पिक्चर है। क्लियोना को हम पर्ल इंडस्ट्री के लिए क्या करते हैं, हानिकारक होती है ये। ठीक है, पर्ल इंडस्ट्री के लिए काफी हानिकारक होती है, क्योंकि पर्ल की जो प्रोडक्शन होती है उसको डिक्रीज कर देती है, पर्ल की जो मोतियों का जो प्रोडक्शन होता है उसको डिक्रीज कर देती है क्लियोना की प्रेजेंस उस जगह पर। ऐसा इसलिए होता है कि जो क्लियोना होती है, क्लियोना जो स्पंज होती है बेटा, ये जिस भी सबस्टेटम पर ये होती है, कैलकेरियस सबस्टेटम, या फिर जो रीफ्स होती हैं, या जो ऑयस्टर्स हो गए, या फिर मोलस्कन हो गए, शेल्स हो गए, उनके ऊपर ये ग्रो कर जाती हैं। ग्रो करके वहां पर उनके अंदर छेद कर देती हैं, छेद करने के कारण उन ऑयस्टर्स का और उनके जो मोलस्कन्स का उनकी डेथ हो जाती है, जिसके चलते इन्हें हम क्या कहते हैं, पोर स्पंजिस भी कहते, क्या कहते हैं, पोर स्पंजिस भी कहते हैं, छेद कर देती है उनकी बॉडी के अंदर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसको रहने के लिए जगह मिल सके वहां पर। ठीक है, इसलिए ऐसा वो इसलिए करती है। ठीक है, तो ऑयस्टर्स के अंदर क्या होता है, जो डेवलपमेंट इसकी पर्ल की, पर्ल हमें देखने को ऑयस्टर से हमें क्या पर्ल मिलता है, अगर ऑयस्टर ही खत्म हो जाएंगे तो पर्ल हमें आपको क्या नहीं मिलेंगे। ठीक है, वहां से हमें पर्ल्स की, जो मोती की प्राप्ति हमें हो नहीं पाएगी। इसीलिए जो क्लियोना होती है वो क्या होती है, पर्ल इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ा डेंजर होता है, खतरनाक खतरा होता है, क्योंकि ऑयस्टर को खत्म कर देती है। क्लियर है बेटा? बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा बेटा। ये तो था हमारा आज के किसके बारे में बेटा, स्पंजिस के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा नेक्स्ट फाइलम के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी कहें हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको क्या है, सबको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो तब तक के लिए बेटा मैं आपसे विदाई मांगता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, एक नए दिन के साथ, एक नए फाइलम के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। आपका दिन क्या हो बेटा, शुभ हो।